हेलो व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? हम सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। पिछली वीडियो में हमने ये स्टेट टेक्सचर करना सीखा था और आज हम इसको पूरा स्टेट टेक्सचर पे कर देंगे। जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी चीज़ किस तरीके से टेक्सचर होगी। आपकी ये रही मशीन, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये जस्ट ये चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से मॉडल होंगी, सॉरी टेक्सचर होंगी। अब ये जो हिस्सा है आपका, ये वाला पार्ट, ये ब्लैक है, डार्क ब्लैक। तो हम किस तरीके से इसको टेक्सचर करेंगे, ये डिफ्यूज़ क्या कलर है, इसको कर दें आप 3 3 3, सही है। इसकी रिफ्लेक्शन को बढ़ा लें और इसकी रिफ्लेक्शन की ग्लोसीनेस की वैल्यू दे दें 0.05 या 0.6। ठीक है, ये कर लें। उसके बाद देखें, ये पूरा ब्लैक है, ब्लैक देख लें, सही है, ये भी ब्लैक है, डार्क। अच्छा, और मतलब तकरीबन सभी डार्क है, ये भी डार्क, ये तमाम चीज़ें डार्क हैं। ठीक है, और ये भी डार्क है, ये भी डार्क है, तो आपने सारी चीज़ें जो हैं डार्क कर लेनी है। जस्ट ये स्टिल है तो इसको स्टिल कर लें, स्टिल जो जो टेक्सचर है वो स्टिल कर लें तमाम। और अच्छा, ये भी ब्लैक है। ठीक है, ये और ये, सॉरी ब्लैक है, उसकी जो नट बोल्ट हैं वो ये स्टील के हैं, स्टील के कर लें आप। ठीक है, क्योंकि अपनी चेंजिंग लाजमी है, वरना मॉडल हो जाएगा बिल्कुल सेम कॉपी। ठीक है, ओके भाई, इसको ब्लैक कर लें, ब्लैक। और ये इसके अंदर का स्टील इस तरह से। ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ें आप देख लें अच्छे से। अच्छे ये जो डोर है, डोर डोर डोर, इसको भी ब्लैक कर लें आप। बाकी ओवरऑल आपकी चीज़ें जो है स्टील में ही है। अब आप साइड व्यू से देख लें थोड़ा, तो आप इसको इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये इस तरह से। और इस तरह से भी कर लें। ठीक है, अब ये देख लें थोड़ा, उसको उसके इनसाइड वाला एरिया देख लें। हाँ चलें, ये भी इसको स्टिल कर लेते हैं हम, चलें। ठीक है, ये वाला एरिया जो है आपका, ये किस कलर में है, ये भी स्टिल ही है, क्रोम क्रोम पॉलिश। ठीक है, मेरे सामने आ गई चीज़ है। इसको ब्लैक, इसके अंदर का स्टील, इस तरह से तमाम टेक्सचर्स होने के बाद आपने इसको रेंडर करके देख लेना है एक बार कि आपके रेंडर में किस तरीके का व्यू आ रहा है, टेक्सचर्स वगैरह सारी चीज़ें। ये ब्लैक है, ये ब्लैक कर लें। जैसे टायर्स, बीच का होल जो है इसका, इसको ब्लैक कर लें, और बीच के सेंटर जो है ये स्टील है। ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें अलग अलग बनाएंगे तो आपको इजी होगी टेक्सचरिंग करने में। मिक्सअप बनाएंगे तो फिर टेक्सचरिंग करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, अटैच हुई होती है चीज़ें ना। इस तरीके से अब एक बार हम इसका रेंडर चेक कर लेते हैं, आपके सामने देंगे रेंडर इस तरीके का। अब इसमें लाइटिंग नहीं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ये डार्क नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी हम करेंगे लाइटिंग। लाइटिंग सबसे पहले तो इसको हम कैमरा फ्रेम में जाने के बाद इसको करेंगे मर्ज ज्योमेट्री, सॉरी ग्रुप करेंगे, ग्रुप करने के बाद, ताकि ये अपनी जगह से हिले ना, इस तरीके से प्लेन लगाएंगे बड़ा सा। अच्छा, प्लेन प्लेन, ठीक है, 50 बाय 50 इस तरीके के, इसको सेंटर में कर लें।
सेंटर में करने के बाद इसको फ्लोर का कलर दे दें, फ्लोर फ्लोर थोड़ा सा वाइट हो जाए, थोड़ा सा रिफ्लेक्टेड हो जाए इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा अब हम इसके अंदर लाइट बढ़ाते हैं अपने एनवायरनमेंट में, तो इस तरीके से देखिए आपके सामने रेंडर थोड़ा ऐसा आ रहा है, इसमें लाइनिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, थोड़ा सा वैसा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक कर लेंगे इसके अंदर लाइनिंग जो आ रही है, इसमें ये टेक्सचर ये लाइनिंग है, ये हम थोड़ी सी इसकी वैल्यू कम कर लेते हैं। ठीक है, आपके सामने इस तरीके का आ रहा है, थोड़ी सी इसके अंदर एनवायरनमेंट डाल देंगे। एनवायरनमेंट कैसे, असल में स्टील का जब कोई मॉडल होता है ना तो उसमें लाइटिंग करने में बड़ा मसला होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो एनवायरनमेंट को पिक कर रहा होता है। ADRI, ADRI देख रहे हैं आप कहाँ है आपकी, तो थोड़ा ये चेक कर लेते हैं। और रेंडर करके देखते हैं, हमारा रेंडर किस तरीके का आ रहा है। बाकी अब हम कैमरा की सेटिंग देख लेते हैं, हमारे कैमरे का शटर स्पीड वगैरह कितना आ रहा है। अच्छा, ये फिजिकल कैमरा लगा हुआ है, आप डायरेक्ट कैमरा भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फिजिकल कैमरा का मैं लगाता हूँ इस तरीके का, उसको नीचे ले जाएं, इसका टारगेट थोड़ा सा पीछे ले जाएं, और कैमरा सेटिंग में जाने के बाद इसका शटर स्पीड को कर दें 5 और वाइट बैलेंस न्यूट्रल। थोड़ा इस तरीके का आ रहा है, देख रहे किस तरीके का आ रहा है, देखें आप जो है डॉम लाइट से भी इसके अंदर लाइटिंग कर सकते हैं। डॉम लाइट रखें इसमें, लाइट उसके बाद ये डॉम लाइट यहाँ रखते हैं, इसकी वैल्यू टेम्परेचर पे ले जाएं थोड़ा, इसके सब रिव्यूज जो है 20 करते हैं ऑप्शन में। अब रेंडर देखते हैं, थोड़ा इस टाइप का। अब हमने क्या करना है, साइड है इसकी कवर करनी है पूरी इस तरह से, थोड़ा हमारा इस तरीके का यह रेंडर आ रहा है। बाकी हम इसको और इन्हांसमेंट कर सकते हैं, इसकी लाइटिंग को बढ़ा सकते हैं, वो किस तरीके से मैं दिखाता हूँ। इसको कैंसिल करें, इसके बाद इसके ऊपर लगाएं एक प्लेन लाइट इस तरह से, थोड़ा कर लें इसको 5 कर लें, टेम्परेचर निकल गया। अब रेंडर कर लेंगे,
वैल्यू को बढ़ाने इस तरीके से। ठीक है, इसको और थोड़ा कम कर रहे। अब स्टील टेक्सचर इस तरीके का आ रहा है ना, तो आप इसकी टेक्सचर की जो वो है क्या कहते हैं लाइट, वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओवरलाइट। अच्छा, इसको एक कर दें, दो भी कर सकते हैं ताकि इसकी शार्पनेस निकल के आए। अच्छा, अब इसकी जो है ये वाली साइड्स की कवर कर दें ताकि ये इन्वायरमेंट को पिक ना करे। इसका प्लेन पिक्कर है, इसकी ये वाली एजिस पिक्कर है, तो इसको भी शिफ्ट पकड़ के इसको ऊपर की तरफ ले जाएं। अब हम इन्वायरमेंट को कर देंगे, हटा देंगे, तो ये देखिए थोड़ा डार्क आना शुरू हो गया। डार्क आना शुरू हो गया, उसके इन्वायरमेंट को और मजीद वाइट करेंगे, तो आपके सामने इस तरीके का जो है रैंडम निकलना। इस तरीके की भी इसमें भी इस तरह से लाइटिंग हो सकती है, मगर उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये करके किस तरह से होती है ये वाली लाइटिंग। ये देखें, ये लाइटिंग होती है इस तरह से। क्या है, प्लेन लगा हुआ है यहाँ पे सामने दो साइड्स में ऐसे। इस तरह से ना प्लेन लगे होते हैं ऐसे, इस तरह से। अच्छा, इसकी वैल्यू देख रहे पहले आप 10 कर लें, इसका टेम्परेचर को इसको वाइट ही रहना है, आप कलर वाइट रहना ताकि वाइट रिफ्लेक्टेड आए। अरे रिफ्लेक्शन, अच्छी लाइटिंग हुई है इसके अंदर, और हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ करके थोड़ी देर में। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी शाइनिंग टेक्सचर हटा दूँ, जो लाइनिंग आ रही है, तो फिर देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है इसका। क्लियर, देखते हैं इसको थोड़ा सा ऑन करते हैं, थोड़ा ब्लूश ब्लूश आ रहा है, थोड़ा हम व्हाइट करके देखते हैं। एचडीआर को चेंज करके देखते हैं, थोड़ा विंटर वाला डाल के देखते हैं। अच्छा वैसे करके जरूर करके इधर से भी लाइटिंग मार के देखते हैं, और इधर से भी। देखते कैसा रेंडर आता है। ये रेंडर हो रहा है, और रेंडर होने में भी थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक चीज निकल के तो आ रही है मेरे सामने, बाकी इसका आगे का देखते हैं कैसा आ रहा है। अच्छा,
अच्छा मैं टाइम क्या करता हूँ, टाइमर का एक टेक्सचर उठा लेता हूँ, ठीक है। डिजिटल डिजिटल टाइमर, डिजिटल टाइमर टेक्सचर इस तरीके का। अच्छा इस तरीके का टेक्सचर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। बाकी इसमें तो इस टाइप का टेक्सचर है अभी, खैर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं बनाने बैठा तो। जब तक ये रेंडर्स हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जब तक रेंडर हो रहा है जब तक मैं इसको टेक्सचर करता हूँ। बाकी ये कि सारे रेंडर्स व्यूज निकाल के मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और ये जस्ट आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है कोई भी टेक्सचर, और इस तरीके से रेंडर निकालना है व्यूज और फिर अपलोड कर देना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।